ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, इतने कलर्स तो जेम्स के भी नहीं होते। आज हम बात करेंगे इस रेनबो बीमारी के बारे में। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शंस न्यू हैं COVID-19 की तरह, ये पहले से हमारे एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट हैं और ये काफ़ी रेयर इन्फेक्शंस हैं, लेकिन अभी इनके केसेस बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं। COVID-19 से पहले पूरे एक साल में 100 केसेस आते थे ब्लैक फंगस के, लेकिन पिछले हफ्ते सिर्फ कर्नाटका में ही 700 केसेस आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। इसलिए तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। और भी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एपिडेमिक मतलब एक ऐसी डिजीज़ जो एक ही पॉपुलेशन में या रीजन में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते, लेकिन पैंडेमिक मतलब एक ऐसा एपिडेमिक जो अक्रॉस कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में फैला हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ये खुद में ही एक बहुत रेयर डिजीज़ है और अभी सब फंगस केसेस में से ये सबसे ज़्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, और 90-95% कोविड पेशेंट्स में यही वाला फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। और या तो वो कोविड पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं या वो स्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और बाकी लोगों में ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है। म्यूकोरमाइकोसिस कौन से टाइप का है, मतलब ब्लैक फंगस कौन से टाइप का है, डिपेंड करता है कि उसने आपके कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट किया है। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्ट करता है आपके आइस को, आई सॉकेट को, ओरल कैविटी को, नोज को या फिर ब्रेन को। सिम्टम्स हैं गम्स में स्वेलिंग, फेस का एक साइड सूज जाना, पेन होना, सर दर्द, ग्रीन कलर का नेजल डिस्चार्ज मतलब नोजी, साइनस में पेन होना या फिर फेस का कलर चेंज हो जाना भी इसका ही एक सिम्टम है। दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, जो अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, और इसके सिम्टम्स में आते हैं फीवर, कफ, ब्लड इन योर कफ और चेस्ट पेन। दूसरे टाइप की फंगस है वाइट फंगस, या फिर जिसका साइंटिफिक नेम है एस्पर्जिलस, और माना जाता है कि ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा लीदल है, ज़्यादा डेडली है। और जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है एम्स के चीफ, उनका ये कहना है कि ये सारे फंगस के अलग अलग जो नाम हैं वो बस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सब में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि ये सब एक फंगस ही हैं, इनके फैलने का तरीका भी सिमिलर ही है। और इनको अलग अलग कलर का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये अलग कलर के दिखते हैं, लेकिन जब ये हमें अफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का कलर उस कलर का हो जाता है। ब्लैक फंगस में हमारा ये पोर्शन ब्लैक हो जाता है, वाइट फंगस में हमारी टंग वाइट हो जाती है, इसलिए इनको वैसे नाम दिए गए हैं। तो जो ये वाइट फंगस है ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है, और ये हमारे लंग्स में कैविटीज़ बना देता है जिनको सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है। इसके सिम्टम्स में जीभ और फूड पाइप पे वाइट पैचेस दिखते हैं। COVID-19 एक पैंडमिक है, लेकिन फिर भी ये सारे फंगल इन्फेक्शंस इंडिया में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ये सारे फंगल इन्फेक्शन के कॉजेस। तो अगर आप लोगों को 7th का साइंस याद होगा तो उसकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फंगस के बारे में, इसके जो स्पोर्स होते हैं जिससे ये कहीं और फैलता है वो हवा में ही प्रेजेंट होता है, और वो हॉट और ह्यूमिड मतलब गर्म और नमी वाली जगह पे फैलता है। जैसे कि अगर हम कुछ खाना बाहर रख देते हैं तो उस पर फंगस लग जाती है, अगर गर्मी का मौसम हो तो जल्दी लगती है। तो उसी तरीके से पहला रीज़न है लैक ऑफ हाइजीन, मतलब जहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ ये फंगस ज़्यादा जल्दी फैलेगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में। मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर 99.5% प्योर ऑक्सीजन होता है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है कंप्रेशन, फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू। और जब इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है तब भी जो सिलेंडर्स होते हैं वो एकदम स्टेराइल और साफ़ सुथरे होने चाहिए। और जब डॉक्टर्स ये पेशेंट को देते हैं तो इसको सीधा नहीं दे सकते सिलेंडर से, इसको ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, मतलब इसके अंदर स्टेराइल वाटर मतलब नमी डालनी पड़ती है, और वो पानी एकदम साफ़ होना चाहिए, और वो स्टेराइल वाटर को भी बार बार साफ़ करना और चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ पर गंदगी होती है तो फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं और COVID-19 के पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा स्टीम लेना। जैसे कि व्हाट्सएप पे न्यूज़ आ रही है कि स्टीम लेते रहो तो कोविड नहीं होगा, साफ़ हो जाएगा सब अंदर, ब्लैक फंगस से बचना है तो स्टीम लो। जैसे कि मैंने आपको बोला, फंगस हॉट और ह्यूमिड मतलब गर्म और नमी वाली जगह पे
ज़्यादा जल्दी से फैलता है या वहाँ इन्फेक्ट करता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्टीम लेंगे तो आपका जो फूड पाइप है वो भी वैसा ही हो जाएगा, मतलब हॉट और ह्यूमिड, और फंगल इन्फेक्शन ईजीली आपको इन्फेक्ट कर पाएंगे। थर्ड रीज़न है जिंक सप्लीमेंट्स का ओवर यूज़। जो फंगस होती है वो जिंक रिच एनवायरनमेंट में ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपको ये फंगस ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर देगी। फोर्थ रीज़न है स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़। अब काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग पहले से ही स्टेरॉइड्स को स्टॉक करके रख रहे हैं अपने घर पे, जो रेमडेसिविर है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वैसे भी जितनी रिसर्च हो रही है उससे कहीं भी ये प्रूवन नहीं है कि ये स्टेरॉइड्स कोविड 19 को डायरेक्टली मारते हैं या उसके वायरस को डायरेक्टली मारते हैं। ये बस उसके जो सिम्टम्स हैं उससे फाइट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर। तो इन्हें हम इम्यूनो सप्रेसेंस भी बोल सकते हैं। पर स्टेरॉइड्स तभी लेने चाहिए जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो अगर स्टेरॉइड्स गलत टाइम पे दिए गए तो इससे हमारी ही इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और वायरस और ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके शुगर लेवल्स और बढ़ जाते हैं और उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ जाता है। पांचवा है ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जो फूड पाइप में माउथ में एक गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें बाहर के बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और इससे हम और प्रोन हो जाते हैं ब्लैक फंगस या ऐसे दूसरे इन्फेक्शन से। तो ये सब थे कॉजेज। तो अब हम देखेंगे हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लैक फंगस जैसे फंगल इन्फेक्शन से। पहली बात तो ये है कि ब्लैक फंगस अभी तक कंटेजियस नहीं माना गया है, मतलब जैसे कि कोविड 19 एक दूसरे से बात करने में भी फैल जाता है, वैसा नहीं है ब्लैक फंगस। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है साफ़ सफाई रखो, हाइजीनिक जगह में रहो और अच्छा खाना खाओ। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मेडिकेशन मत करो, खुद घर पे स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स ये सब मत लो टेंशन में आके। अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कोविड 19 के तो पहले डॉक्टर्स से कंसल्ट करो और खुद से डॉक्टर मत बनो। चौथा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पे ट्रस्ट मत करो, अगर कोई बोल रहा है स्टीम ज़्यादा लो या ये दवाई खा लो तो प्लीज़ उनकी बातों में आकर वो सब मत करो, आपकी इम्यूनिटी सफ़र कर सकती है इससे। और पांचवा है डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी केयरफुल रहें, वो अपना ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन रखें और इसी से हम सब बच सकते हैं ये सब इन्फेक्शन से। एंड में बस अपना और अपनी फैमिली का तुम लोग ध्यान रखो, बहुत टफ टाइम चल रहा है, सेफ रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, सबकी केयर करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।